अंदोलन जिहड़ा आ साडा हक आ, असीं अपने हक जिहड़े लैण वास्ते असीं उह अंदोलन कर सकदे आ। इहदे विच कोई किसे दा सानूं कोई जबरदस्ती नहीं हैगी। इन्हां किसानां वल हले तक सरकारां दी जिहड़ी नज़र नहीं पई, कि इह लोकतंत्र दा हिस्सा नहीं, कि इह देश दा हिस्सा नहीं। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਡੱਠੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਦੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲਾ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਖੜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਘਟਾਇਆ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੱਲੇ ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शैशव नागरा स्वागत करता। दोस्तों इस वक्त सिंगू बॉर्डर की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की जिहड़ी स्टेज है उस तरफ खड़े हाँ। सो जिस तरह तूफान ने बहुत नुकसान कराया, थोड़ा एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये किसानों का आराम घर है जिथे तुम देख सकते हो कि पानी कितने कितने तक कितना पानी खड़ा है। इतने बड़िया दिक्कत हुई ने इस तूफान की वजह के नाल, इस मीह की वजह के नाल बड़ा नुकसान होया। मेरे नाल एक किसान मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते हैं जी। जी डॉक्टर हरदीप सिंह इन्हों का नाम है, इतने के जोड़ा स्टोर का ध्यान रखते हैं स्टोर इंचार्ज ने। कि नुकसान होया जी? देखो जी नुकसान साडा बहुत ज़्यादा होया। ये जी सैड आ, ये नाल उधर सैड भी एक बनाई। ये रात जो बारिश आई, तूफान आया, तो तकरीबन 3:30 बजे बारिश जी शुरू हुई, तूफान जरा शुरू होया। तो ये नाल सारी तहस नहस हो गई, तो रात मतलब सारे गद्दे भिज गए, लोग एक जगह के इकट्ठे हो गए। फिर यह भी तुम्हें पता कि पंजाबी हिम्मती किसान साढ़े हिम्मत वाले आ, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो इन्होंने बड़े बड़े बांस लैके सारे बांस जोड़े आ इन्हें रात बांस पाए, तो तरपाला फट के बेचारे सारी रात खलोते रहे। और इन्होंने जिहड़ा डट के मुकाबला किया, मतलब मैं तो कहूँगा बहादुर योधे आ, जिहड़े ना ये भुख तो डरते, ना गर्मी तो, ना ये बरसात तो डरते। बरसात बहुत ज़्यादा हुई, नुकसान साडा बहुत होया। किन्ने बजे कल सवेरे, किन्ने 7 बजे मैं लगता मीह पैन लगे? अज 7 बजे पिया, कल तो सवेरे 3:30 बजे स्टार्ट हो गया, 3:30 बजे ही स्टार्ट हो गया। और बहुत ज़्यादा झक्खड़ नेरी आई, अज भी सवेरे 6:30-7 बजे स्टार्ट होया, फिर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तुम देख सकते पानी फिर खड़ा, कल पानी घटाया, अज पानी फिर खड़ा हो गया। और ना इतों का कोई प्रशासन सुनता, ना इतों की कोई सरकार, तो सरकार मोदी सरकार इन्नी बोली हुई, तो साढ़े जिहड़े आ ये केजरीवाल के जिहड़े जिन्ने आम आदमी पार्टी है, ये भी कोई नहीं इतने वरदा। ये वेखो साडा निहंग सिंह पानी कढ़न रहा, ये सारा इन्होंने तोड़ के नाले पानी कढ़िया, तो ये इदा ही अं रोज़ पानी कढ़ के गुजारा करते हैं। ये कोई साड़ी इतने ना सफाई का ध्यान रखा जाता, ना कोई मच्छर मार दवाई पाई जाती है, ना कोई इतने होर गटर साफ किए जाते हैं। तो ये सा जिन्या मुश्किल आन रही सारिया ये सरकार नाकामिया, ये सरकार जी चाहती है कि दुखी होकर जाएंगे, पर यह इदा के योधे आदा के साढ़े जुझारू किसान भरा आ, कि इन्होंने यहो जे खाधिया पीतियाँ, यहो जे इन्होंने काम जोड़े झले शरीर के, ना ये ठंड तो डरन, ना ये गर्मी तो डरन, यहो जे मीह कणी के घर भी तो जे जाते तो उत्थे बारिश होती, उत्थे भी इन्हें संभालना है। तो ये सारे ने आप लग के बांस ये दे के ठुमने, इन्हों
उन्होंने रोक के रखिया उधरला भी तो इधरला भी सारा ये ना किसानों ने आप मैनेज किया। तो ये सरकार जी सरकार ये बारे कोई नहीं सोचती ना सफाई बारे सोचती आ और ना कोई रैन बसेरे वास्ते ना कोई चीज़ कि जटा का क्योंकि ये साडा हक आ अंदोलन जोड़ा आ साडा हक आ असी अपने हक जोड़े लैन वास्ते अं अंदोलन कर सकते हैं ये कोई किसी का सू कोई जबरदस्ती नहीं हैगी। सो ये बिल्कुल ठीक गल है। एक पास तो मोदी सरकार जिथे गुजरात के तूफान आया वो वजह के नाल जो नुकसान होया वो राहत दे वड्डे वड्डे फंड दे रही है पर दूसरे पासे इन्हां किसानां वल हले तक सरकारां दी जिहड़ी नज़र नहीं पई कि यह लोकतंत्र का हिस्सा नहीं कि यह इस देश का हिस्सा नहीं क्यों इन्हां नूं अखों परोले किया जा रहा है जिहे औखी घड़ी दे विच वी इन्हां दी कोई सार नहीं ली जा रही। तुसीं दस रहे सीगे कि जिहड़ा तुहाडा कोई स्टोर है उहदा वी बड़ा नुकसान होया पहला बापू जी उहदे नाल गल कर लईए। बापू जी चढ़दी कला दे विचों ए वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। चढ़ती जी गल वेखो भी तीन दिन मीह पा आ तीन दिन मीह के सारे वेलो भी साढ़े मंजे डे पानी वेचिया इनू मोदी सरकार को चाहिए है भी ये 100-100 साल के 80 साल के जो बजुर्ग है गया तो इन्हों पानी की कानू बना सी जे तू बहा लिया ही तो इन्होंने कोई इंतजाम करना चाहिए ही पर अजे तक मोदी सरकार ने भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार ने आ एक एक बार ये मत जरा कर रहा होर कोई मत नहीं कर पा रहा इतने पानी जिन्ना आ रहा एगरीवाल का आ रहा फरीसा बाथरूम जिन्हें एगरीवाल ने दिते हुए केजरीवाल ने तो होर दो तिना सरकार ने कुछ नहीं दिता हो सरकार अं पानी वे लो बैठे हाँ बहुत मुश्किल में बैठे हाँ भावें पर अं सा हौसले एडे वे बुलंद ने भी अं कामयाबी अपनी से पूरे लड़ांगे तो कामयाब कानून तिने रद्द करा के जावे उन्हें चर घर नहीं जाते भावें सू 20 साल लग जा भावें सू 5 साल लग जा भावें सू 3 साल ला ले भावें सू 2 साल ला ले भावें साल ला ले उन्हें चर नहीं जावे जिन्हें चर सू कानून साढ़े रद्द नहीं करता जे जिन्हें चर साढ़े हक च नहीं बोलते उन्हें चर घर नहीं जावे। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। सो औखियां घड़ियां दे विच भी हौसले दे विच ने चढ़दी कला दे विच ने हौसले बुलंद ने पर बड़ी हैरानगी की गल है कि जिथे गुजरात वल पूरे फंड दिते जा रहे ने देने चाहिए भी ने पर इधर क्यों नज़र नहीं पै रही किसी भी सरकार की क्यों मोदी सरकार की इतने बैठे किसानों पर नज़र नहीं पई कि इतने भी नुकसान हो रहा है। सो थोनू अंदर भी लैके चलते हैं बापू जी जिते स्टोर का नुकसान होया वह भी सानू दिखाओ। वो बिल्कुल मीह के नाल तहश तहश हो गया वा ये होया क्योंकि सरकार की नाकामी आ इतने प्रबंध ही कोई नहीं है क्योंकि जनता का जमहूरी हक आ साडा प्रदर्शन करना जिदे सरकार अड़ी खलोती आ कोई देन की बजाय कोई भी सानू सुविधा नहीं इतनी सरकार वालों का नुकसान हो गया उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया वा इतने बहुत ज़्यादा वड्डा नुकसान होया वा ये जानी मानी वाली गल बड़ी खड़ी आ जे जानी गिनी के इतने 500 तो प्लस साढ़े जोड़े शहीद हो चुके आ जोड़े हूँ भी इतने जिमें करोना का ना दे के लोगों गुमराह किया जा रहा वा करोना ना दिता जा रहा तो लोगों गुमराह किया जा रहा पर उन्होंने खाण पीन लिए कोई प्रबंध नहीं है रेहड़िए कुटिया जा रहा फड़िए कुटिया जा रहा वा पर कोई भी खाने लिए जो कोई मंगता तो कोई प्रबंध नहीं गा आ साडा स्टोर सी जिहड़ा पहला ये बिल्कुल एड्डा वड्डा तूफान आने के नाल साढ़े इतने जिन्ना समान पाया सारा खराब हो चुका वा पर सरकार नूं कोई चिंता नहीं दी समान होना इतने जो खराब हो वेखो लगभग गिनती आ सेवा जी सेवा चल रही आ सेवा ना तो लोग वड्डियां वड्डियां सेवा कर रहे हैं तो इतने जो आटा दाल सौदा जिन्ना पाया सारा पाश का करके खराब हो गया। हाँ जी सो काफ़ी नुकसान भी होया इस तूफान की वजह के नाल इस मीह झक्खड़ की वजह के नाल पर बार बार उस गल ते ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि क्यों सरकारां दी इत्थे नज़र नहीं पै रही कि ये देश दे किसान नहीं कि ये देश दे वासी नहीं लखां रुपए का जिहड़ा नुकसान इत्थे हो चुके है कितनी ही दिक्कतां इन्हां नूं झलनियां पै रहियां ने इस तूफान की वजह के नाल पर फिर भी हौसले बुलंद ने बेचारे ने आप सारा खा लिया बाबा जी दे कोल आ के देखो ए बाबा राणा ये इन्हों ने अपने सेवादार वाड़ के एक गटर जरा जरा नाला आ सीवरेज लैके चल सारा साफ कराया दिखाइए इतों के जो एम एल ए भारद्वाज तो चौहान सरद चौहान
दोवां नाल उदन गल हुई, उन्होंने कहा अं साफ करा देंगे, सफाई का साडा खास ख्याल आ। कोई सफाई का खास ख्याल नहीं, वो हुण फोन ही नहीं चुकते, COVID-19 का बहाना लाई जांदे आ, कोई किसी का सार नहीं लेंदे, आउंदे ही नहीं बिल्कुल। और अज बाबे जिहड़े आ साडे कार सेवा वाले बाबा ढोडी दे लंगर जी लंगर चलदे थे, उन्होंने बाबा राणा इन्होंने इलाके सारा विच सारी सफाई आप की, जिन्ना गंद सारा देखो उतों का कढ़िया, और पुलिस प्रशासन जरा वो नहीं कढ़न दिता, फिर जबरदस्ती अं कढ़िया, अज आप अं सफाई की आ, सारी सारी सफाई करके बिचों जो गंद पेल सारा जमा हुआ सारा सीवरेज जिहड़ा है बाबा जी ने कढ़िया। बाबा जी के कपड़े तो अंदाजा लगा सकते हो कि बापू जी कितना टाइम कदों लगे हुए थे? सुबह मेरे हिसाब से 6 बजे के लगे, अजे तक लगे साढ़े सिंह आवे, दो ट्रालियां भर भर खड़न इतों, इन्होंने बंद कर रखा मिट्टी ना, और सारी मिट्टी कट के और जो पत्ता थाना कट करके सारा पूरा न चालू करके आए। तो ये हूँ भी अं इन्हों इन्हों दिल्ली वाले बेनती की थी भी वो भेज दो सानू, तो जो वो लफावे लुफे हो कट देंगे, बस नखरे जे करी जाते, कभी उधरों आ गए हूँ आ गए घड़ी कि आ गए। पहले एक दिन MLA साहब इन्हों इतने आए, वो कहते अं ते 5 गड्डियां ला देनिया, कोई नहीं एक गड्डी और लाइद भी मर्जी ना आते। सो ये इतने की हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है कि किस तरह बड़िया दिक्कतों का सामना करना पै रहा, पर फिर भी चढ़ती कला के हौसले ने गए कि डटे हुए ने, नाल दी नाल आप लगे हुए ने इन जे चीज़ों सैट करन दे विच। पर सवाल उही है कि क्यों सरकार की इन्हां ते नज़र नहीं पै रही? तुसीं देख रहे सी रोज़ाना स्पोक्समैन कैमरे के पिछे मेरा साथ दिता, मेरे सहयोगी जसप्रीत ने, मैं शशम नागरा, धन्यवाद।